बाकी आज ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, मैं आज मोटो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। ये देख लो पुलिस वाले, बहुत तगड़ा नाका लगा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब मस्त होंगे। बाकी आज ये मेरा फर्स्ट मोटो व्लॉग है, मैं आज मोटो व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो बाकी अभी हम कुछ ऐसी जैसी लोकेशन पे खड़े हुए हैं, ये अपना डोडा वाला साइड है। कल तो यहाँ पे पूरा रोड में पानी भरा हुआ था, तो अभी जा रहे हैं हम डोडा, कुछ काम है। तो अभी मुझे नहीं पता कैसा व्यू आ रहा है आपको, बट हाँ आई थिंक अच्छा ही आ रहा होगा। तो बाकी चलो डोडा के लिए जा रहे हैं हम। हमने ये व्लॉग आधे रास्ते से स्टार्ट किया क्योंकि थोड़ी शर्म भी आती है। बाकी अब देखते हैं आज लोगों के रिएक्शन कैसे, फ़ोन लगा के हेलमेट के आगे कैसे रिएक्शन आएंगे। एक्चुअली देखेंगे लोग तो देखेंगे, बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्या कर रहा है लड़का। अभी भी आगे से आ रहे हैं, अच्छे रिएक्शन मिल रहे हैं भैया, अभी देख रहे हैं। बाकी आज कल तो बारिश थी, तो दिन के बाद धूप लग गई, तो आज धूप ही है। आज के लिए भी बारिश दिखाई थी तो, लेकिन लग गई नहीं, क्या कर सकते हैं। जिस दिन लगेगी उस दिन मुश्किल ही लगेगी, एक दिन कर गया। बाकी आज हेलमेट, सब हेलमेट लगा के आई थिंक आगे कोई नाका भी होगा लग रहा है कुछ, क्योंकि आज मंगलवार है, तो ज़रूर मंगलवार के दिन होगा। अच्छा चलो देख लेते हैं, होगा तो निकाल लेंगे हम अपने डोडा का नाका कैसा होता है। ऐसे यार एक बार उन डोडा की पुलिस बहुत अच्छी है यार, अगर आपके पास हेलमेट सारा कुछ लगा हुआ है तो आपको कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन अगर कुछ नहीं लगा हुआ तो फिर यार उनका भी बनता है, क्योंकि उनका भी काम, वो भी तो हमारे लिए बोलते हैं, बाकी किसके लिए तो बोलते नहीं हैं। बाकी चेक करो बारिश में रास्ता कैसा हो गया है। रोड अच्छी है यार ये, बट ये जो बारिश लगती ना, इसके पहाड़ों से जब पानी नीचे आता है तो उसकी वजह से रेत जो है भर जाती है। तो मुझे अभी देख रहे थे क्या खड्डे यार यहाँ पे, खड्डे भी जो है सिटी में रोड ठीक नहीं है, चेक कर लो कितने खड्डे। अभी अंकल जा रहा था, बट कोई बात नहीं, बचा देंगे हम अंकल को। वाह भाई कहाँ से निकल रहे हैं। हमारे डोडा की ड्राइवर ही बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिना इंडिकेटर कहीं से भी घुस जाओ। बाप की रोड है बहनचोद, सॉरी बहनचोद नहीं बोला जी। ओके हमारा ओपीडी, ये हॉस्पिटल वाला एरिया स्टार्ट होता था यहाँ से। जितनी भी गाड़ियाँ देख रहे हो ये पार्किंग में, ये
सारा हॉस्पिटल की बिल्डिंग बन रही है जीएमसी डोडा। चेक कर लो कितनी भीड़ होती है सुबह सुबह यार हॉस्पिटल में, बहुत सारे बंदे। ये अपना ओपीडी, ये वाला सेशन है, यहाँ नीचे जाता हमारा, ये वाला नीचे वाली साइड, ये जो रोड जा रही है नीचे, यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल है। तो हमने जहाँ काम पे, जहाँ हमको अपना काम है, हम वहीं के लिए जा। बाकी हमारा यहाँ जैसे काम है, भाई देख रहे हैं हमको, कहाँ जैसे थी वो शॉप। ये देखना पड़ेगा यार, भूल गई कौन सी शॉप में जाना था। वहाँ ऊपर चेक करो, नाका लगा हुआ है। रुको जरा फोन करते हैं हम उनको। नाका लगा हुआ है, पुलिस वाले यहाँ से जाने नहीं दे रहे किसी को। ये देख लो, चेक कर लो नाका। तो अगर मैं मोबाइल लगा के, हेलमेट के आगे लगा के जाऊंगा तो मेरा भी चलान हो जाएगा। चेक कर लो, पकड़े हुए हैं सारे बंदे इन्होंने। ये देख लो पुलिस वाले, बहुत तगड़ा नाका लगा हुआ है, पता नहीं क्या मसला हो गया इनका। अगर हम ऊपर जाएंगे तो हमको पकड़ लेंगे। मेटाडोर वालों को नहीं पकड़ रहे हैं यार, सिर्फ बाइक वालों को पकड़ रहे हैं। पता नहीं क्या मसला है बाइक वालों के साथ यार, दुश्मनी इनको, जहाँ से वहाँ बाइक वालों को पकड़ा जाता है, बाकी किसी को पकड़ा नहीं जाएगा। हम बाइक वालों ने पता नहीं क्या बिगाड़ा है इनका यार। चलो दो पकड़ने, हम भी बैठे रहेंगे, हम भी टिकट है, जब तक ये नहीं जाएंगे तब तक हम भी नहीं जाएंगे, ठीक है। लगा हुआ था वहाँ पे और ये आज बस स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ हमारे डोडा बस स्टैंड का काम लगा हुआ है, उसकी वजह से आधा यहाँ शिफ्ट किया, आधा वहाँ शिफ्ट किया, हर जगह पे शिफ्ट किया हुआ है। बाकी सारे रिएक्शन दे रहे हैं कि कैसा है वो। अभी हम जाते हैं घर, अभी ये जो टंकी है हमने वो भी फिट करनी है। स्लिप बहुत हो रहा है यार रेत एंड रोड पे, और मेरा पिछला टायर तो बहुत ज़्यादा गंजा हो गया, आपको दिखाऊंगा मैं। थोड़ा क्या, बहुत ज़्यादा गंजा हो गया है। और अंकल अपनी बीवी को बिठाते हुए और लीन मारते हुए, वो देखो रे, ये देखो बहुत फ्री वाला चाचा क्या कर रहा है। कैमरा साफ करना पड़ेगा। तो अभी ये जो टिंकी लाने गए थे हम डोडा, तो ये हमने लाई 1600 रुपए की, 16 नहीं 17, इसका ऊपरला वाला ढक्कन 100 रुपए का है। सोच लो, आप खुद ही सोच लो महंगाई कहाँ तक पहुंच गई है। स्पीड ब्रेकर, एक तो जगह जगह पे स्पीड ब्रेकर बना के पता नहीं क्या करना चाहते हैं यार, मुझे कोई समझ नहीं आती यार।
और बाकी वो यार उस वक्त हाईवे पे जाएंगे क्योंकि वहाँ पे नई रोड बनी है और इसको ब्लैक टॉप भी बहुत अच्छे से किया और खुली रोड है, तो ज़रूर कभी चाहेंगे तो यहाँ बंदा मस्त सी राइड करके जाएगा, ना किसी की कोई टेंशन ना कुछ। बाकी चेक कर लो कुल डोडा, तो हमारा कुल डोडा ऊपर डोडा इस नीचे जनाब। बाकी कल ये बहुत ज़्यादा था, कल पीछे डून हस्ती में एक डैम छोड़ा हुआ था तो ये पूरा रोड कवर कर ली थी। रोड का हाल देख लो, इतनी खूबसूरत रोड है यहाँ पे।